स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई मैं प्राची आप सभी का एनवॉर्मेंट वीकली कनेक्टिव प्रोग्राम में बेहद स्वागत करती हूं। तो आज की वीडियो के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ

शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है एक्चुअली एक जो है आप कह सकते हैं आर्टिकल आया था जिसमें यह पूछा गया था कि प्लेन्स क्या होते हैं और इंडिया में इनको मैनेज कैसे किया जाता है फ्लड प्लेन्स इस कॉन्सेप्ट को तो हम समझेंगे लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा जब आप दरअसल अर्बन फ्लड के बारे में पढ़ते हैं या फिर जब आप अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे या आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे तब भी ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो अर्बन फ्लड आने का एक वन ऑफ द रीज़न होता है वो ये होता है कि मनुष्यों के द्वारा इंसानों के द्वारा ये जो फ्लड प्लेन्स हैं इनका इंक्रोचमेंट कर दिया जाता है मैंने जो भी कहा राइट इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं तो यहाँ पे देखिए जो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया वन ऑफ द मोस्ट फ्लड टोन कंट्री में से एक है राइट है यानी कि बहुत ज़्यादा बाढ़ जो है इंडिया के द्वारा सफ़र की जाती है दैट्स वाई ये जो रिवर के फ्लड प्लेन्स होते हैं इनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना ज़रूरी है अब यहाँ पे देखिए फ्लड प्लेन्स पर होते क्या है एक पिक्चर के बेसिकली माध्यम से इसको समझते हैं तो जैसे कि आपको पता है एक रिवर है एंड रिवर बैंक के आसपास काफी सारा लैंड होता है जब रिवर अपनी नॉर्मल कंडीशन में होती है राइट आप कह सकते हैं इन समर का जो है वेदर है जो पानी थोड़ा कम है तो कुछ ये कंडीशन दिखाई देती है और आस की जो जमीन है वो सूखी रहती है तो कई बार क्या होता है यहां पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कर देते हैं राइट है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कुछ होटल्स रिजोर्ट्स या फिर कुछ लोग जो है यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह लेकर पूरे के पूरे जो है घर भी बना लेते हैं राइट है बट जब कभी भी बारिश ज्यादा होती है राइट है या फिर रिवर अपनी फुल कैपेसिटी के साथ फ्लो करती है तो रिवर जो है स्विल कर जाती है यानी कि जो आस का पूरा वो लेंथ था जो आपको खाली दिख रहा था वो पानी से भर जाता है दरअसल जब रिवर अपनी फुल कैपेसिटी में फ्लो करती है और आसपास जितना भी ये पानी लेकर चलती है ये पूरा का पूरा एरिया आपका फ्लड प्लेन में आता है यहाँ पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करना अच्छा नहीं माना जाता एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम अर्बन फ्लड के बारे में जब पढ़ते हैं तो फ्लड प्लेन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए राइट right? है तो आपने देखा होगा चेन्नी वगैरह में जो बाढ़ आती है या फिर केरल में रिसेंटली हमने कुछ इस तरह की न्यूज़ सुनी थी तो ये बार बार न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है कि फ्लड प्लेन का डिमार्केशन करना बहुत ज़रूरी है वहाँ से इनक्रोचमेंट को हटाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रॉपर लॉ इम्प्लीमेंट करने बहुत ज़रूरी है अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा अगर बात करें वाटर की राइट है तो वाटर आपको पता है कि एक स्टेट जो है सब्जेक्ट है यानी कि जल राज्य सूची का विषय है यानी कि वाटर को लेकर किसी प्रकार का मैनेजमेंट अगर करना है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है राइट right? लेकिन क्या आप जानते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 90s के दौर में नाइनटी सेवेंटीज के दौर में एक मॉडल लॉ बनाकर दे दिया गया था जिसको सिर्फ चार राज्यों के द्वारा ही इंप्लीमेंट किया गया था राइट right? है तो हमें उस लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए एंड हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन से वो चार राज्य हैं राइट है आइए अब थोड़ा सा जो है डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे यह बताया गया है फ्लड प्लेन्स क्या हैं आपका लैंड होता है राइट है right? रिवर के बोथ साइड पे होता है और बेसिकली लिए सब हो जाता है जब रिवर स्विल कर जाती है अपनी फुल कैपेसिटी के साथ फ्लो करती है राइट right? है अब देखो फ्लड प्लेन का जो शेप और साइज होगा ये हर रिवर यूनिक है तो रिवर कितनी ज्यादा फ्लैट है या रिवर के जो बेसिकली आप कह सकते हैं जो स्लोप्स हैं साइड वाले वो कितने स्टीप हैं इसके अकॉर्डिंगली जो है फ्लड प्लेन का जो आप कह सकते हैं आपको आकृति या उसका जो एरिया दिखता है वो अलग अलग देखने को मिल सकता है राइट तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चाहे आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर लो या अर्बनाइजेशन की बात कर लो नाउ आर्टिकल में ये कहा गया कि जो बहुत ज्यादा कॉन्क्रिटाइजेशन हो रहा है आप कॉन्क्रीट से जो है चीजें बना रहे हैं राइट है डेवलपमेंट जो इतनी ज्यादा हो रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फ्लड प्लेन्स हैं राइट है उनकी ना कैपेसिटी रिड्यूस होती जा रही है वाटर के पूरे के पूरे बेसिकली फ्लो को कैरी ओवर करने की राइट है तो देखा जाए तो अर्बन फ्लडिंग की समस्या इसकी वजह से क्या है एग्रवेट हो रही है राइट है दिस इज क्लियर फिर यहां पे बताया गया है कि कुछ राज्य जिसमें से एक मणिपुर है राजस्थान है उत्तराखंड है एंड इसके अलावा जम्मू कश्मीर है राइट right? है इनके यहाँ पे तो फिर भी फ्लड प्लेन जोनिंग को लेकर कुछ पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट हैं हालांकि उनका कितना इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो पाता है दैट इज़ वन ऑफ द इशू बट एटलीस्ट दे हैव द पॉलिसीज़ राइट इसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट्स ने इस आर्टिकल में ये कहा है जिन स्टेट्स के पास पॉलिसीज़ हैं उनको तो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना है और जिनके पास पॉलिसीज़ नहीं हैं उनको एक्चुअली में एक विजन जो है इसके लिए लेना होगा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया वन ऑफ द मोस्ट फ्लड प्रोन कंट्री है इन द वर्ल्ड राइट ओके अब यहाँ पे देखिए जैसे एक ऑपरेशन यमुना चला था राइट है अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो वज़ीराबाद से लेके जैतपुर का एरिया है ठीक है इसका पूरा डिमार्केशन किया गया था कि भाई कितना हिस्सा जो है फ्लड प्लेन में आता है एंड देन वहाँ से जो है जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ था उसको हटाया गया था ठीक है आप देखोगे तो सी सी टी इंस्टॉल हुए थे प्रॉपर पेनल्टी रखी गई थी दरअसल ये हमें पूरे इंडिया में करने की जरूरत है राइट right? तो इस तरह का ऑपरेशन यमुना एक वन ऑफ द एग्जाम्पल के रूप में आप यूज कर सकते हो ओके okay. Now comes to the law and regulation because you are preparing for a like civil service exam. So administration के बारे में आपको knowledge होनी चाहिए. तो देखो हमारा जो Central Water Commission है, ठीक है? उन्होंने दरअसल flood plain zoning guidelines को prepare किया था. साथ में एक model bill for flood plain zoning भी जो है circulate किया गया था सरकार के द्वारा 1975 में. Model bill क्यों? मैंने क्या बताया? जल जो है राज्य सूची का विषय है, right? That's why Central Government एक model bill आपको दे सकती है देन उसको आप अकॉर्डिंग टू योर नीड्स मॉडिफाई करके अपने यहाँ पे जो है एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप देखोगे मणिपुर ने 1978 में ही राजस्थान ने 1990 में जम्मू कश्मीर ने 2005 में और उत्तराखंड ने 2012 में इसको अपना लिया था बट बाकी के राज्यों ने ऐसा नहीं किया था राइट right? है ये जो बिल है ये एक फ्लड अथॉरिटी को करने की भी बात करता है तो अगर इस बिल को आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो एक नाउ द फ्लड प्लेन का आपका क्लियर हो गया होगा ये काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है दिस इज क्लियर नाउ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पीटूआई बैच आई क्यू का

आपका नाइनटीन ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है इवनिंग बैच है शाम को छः बजे तो अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या फिर वर्किंग मैन हैं या फिर अगर आप जो है होम मैनेजमेंट में बिजी हैं पूरा दिन समय नहीं मिल पाता स्टिल आप इस बैच को अटेंड कर सकते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी ट्रस्ट में तीनों भाषाओं में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं आप कंप्लीटली इंग्लिश में करना चाहते हैं या फिर आप हिंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं हमारे फैकल्टीज आपको लाइव क्लास देते हैं और लाइव क्लास का मतलब है कि फैकल्टीज के साथ आप वन टू वन इंट्रैक्शन कर सकते हो और सिर्फ इतना ही नहीं हमारी पर स्टूडेंट एक मेंटोर भी जो है यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं जो आपको एक प्रॉपर मेंटोरशिप भी देते हैं लाइक हाउ टू प्रिपेयर एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग योर कोर्सेज रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड इन जनरल तो आप अपने मेंटोर से भी पूछ सकते हैं और कमाल की बात यह है यहाँ पर ना सिर्फ आपके डेली मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है आपके वीकली टेस्ट होते हैं और आपका जो है प्रिलिम से लेके इंटरव्यू तक का एक पूरा सफ़र जो है हमारे साथ यहाँ पर रहता है अगर आप यूज़ करते हैं प्राची लाइव कोड P आर ए सी एच आई एल आई वी ई तो आपको एक बहुत बड़ा यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल सकता है बहुत लिमिटेड सीट्स है ऑलरेडी जो है आप कह सकते हैं टिक टिक होने लगी है क्योंकि नाइन्थ नाइनटीन ऑफ जून आने वाला है तो अब दिस इज़ वेरी राइट टाइम जब आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं देखिए 2024 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वन ईयर के प्रिपरेशन तो मिनिमम है एंड अभी एग्जाम हुआ है रिजल्ट आया है यू you नो know कि बेसिकली किस तरह से चीजें जो है मुश्किल होती जा रही है तो बिना गाइडेंस के के आज टाइम में यूपीएससी की तैयारी करना मैं ये नहीं कह रही कि बट मुश्किल जरूर है एक गाइडेंस बहुत जरूरी है तो यू हैव टू ज्वाइन कोई ना कोई गाइडेंस का प्रोग्राम एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन और सिर्फ इतना ही नहीं हमारे पास एक मेन्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम है वन ऑफ द यूएसपी ऑफ दिस प्रोग्राम अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं यू क्लियर द प्रलिम्स राइट ट्वेंटी वाला तो आपके रहने खाने की जिम्मेदारी हमारी आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए आपको हॉस्टल फैसिलिटीज आपकी फूड स्टडी विल टेक द एंड आपको सिर्फ जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द बैच आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ मोबाइल नंबर दिए गए हैं आप उनको भी कॉल कर सकते हैं राइट चलिए इसको प्लीज ध्यान रखिएगा एंड अगेन ट्रस्ट मी दिस इज़ वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी फीस पर तीन लैंग्वेज़ में लाइव क्लास पूरी प्रिपरेशन बहुत मुश्किल से मिलता है दिस इज़ वन ऑफ द धमाका वाला पैकेज राइट चलिए ओके तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करें नेक्स्ट इज अर्थ कमीशन रिपोर्ट ओके तो देखिए अर्थ कमीशन एक आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वर्नमेंट को लेकर काम करता है बहुत सारे एक्सपोर्ट्स वगैरह इसके साथ जुड़े हुए हैं इनकी एक रिपोर्ट आई है रिपोर्ट का नाम था सेफ एंड जस्ट अर्थ सिस्टम बाउंड्रीज तो रिपोर्ट तो आई वुड से कि इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट राइट लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट दी गई है

द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट अर्थ सिस्टम बाउंड्रीज राइट है तो देखो ये बाउंड्रीज यानी कि हम कुछ लिमिट्स की बात कर रहे हैं आपने सुना होगा ना अगर टेम्परेचर डेढ़ डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो ये होगा अगर टू डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पर देखो कुछ लिमिट्स बताई गई हैं अगर बेसिकली आप उन लिमिट्स के अंदर ही रहते हो तो ह्यूमैनिटी जो बेसिकली सम आ, आपके जो एन्वामेंटल चैलेंजेस आने वाले हैं राइट है जो डिसास्ट्रस होंगे ह्यूमैनिटी के लिए उनसे बच सकती है लेकिन अगर आपने लिमिट ब्रीच कर दी तो शायद आप उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे जो इिवर्सिबल है जिससे वापस आना पॉसिबल नहीं है परफेक्ट है अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि ये जो बाउंड्रीज है ठीक है अर्थ सिस्टम यानी कि अर्थ को पृथ्वी को पृथ्वी के सिस्टम को इस तंत्र को एकदम बैलेंस में रखना तभी पॉसिबल हो पाएगा इफ उंड्रीज ओके okay? तो इसको ध्यान रखिएगा तो अब इन बाउंड्रीज के बारे में भी पता होना चाहिए ठीक है और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि आखिर वो क्या चीजें हैं जिनको हमें विद इन द लिमिट रखना है परफेक्ट है तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है रिपोर्ट ने कुछ प्रीवियस रिपोर्ट्स को भी एनालाइज किया है एंड देन यहाँ पे आप देखोगे नाइन अर्थ सिस्टम प्रोसेस बताई हुई है यानी कि जो अर्थ का सिस्टम है इसके लिए ऐसे नाइन प्रोसेस हैं जिनको आपने विद इन जो है लिमिट रखना है जिसमें से पहला तो बताया गया है कि देखिए क्लाइमेट चेंज राइट है दूसरा बोला गया बायोडाइवर्सिटी का लॉस अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस एक पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी स्पिसीज ऐसी है जो एक्सटेंट हो चुकी है या एक्सटेंट होने वाले पॉइंट पर है राइट है एंड उसके बाद उनको वापस लेके आना इट्स नॉट पॉसिबल राइट और ये कह सकते हैं कि आसान तो नहीं ही है परफेक्ट है इसके अलावा आप देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस की साइकिल है ओजोन डिप्लीशन राइट है देन ओशन एसिडिफिकेशन देन फ्रेश वाटर यूज लैंड यूज चेंज केमिकल पॉल्यूशन और एटमोसफरिक एरोसोल लॉडिंग अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा ठीक है अच्छा फेक्ट से पहले एक बार और रिवाइज करा देती हूँ कि क्या बोला भाई अर्थ सिस्टम बाउंड्री मतलब अर्थ के सिस्टम को विदिन अ लिमिट रखना है अगर ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करना है वो जो लिमिट्स है हमने कुछ नाइन प्रोसेसेस बता दी इनके अंदर रखनी है इनकी ये जो भी सारी चीजें हैं नाइन राइट है इनको लेके हमें क्या है काम करना है नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला हुआ है कि बेसिकली आप देखा जाए तो ऑलरेडी हमने ठीक है ऑलरेडी हमने सिर्फ एटमोसफेयरिक एरोसोल लोडिंग को छोड़कर बाकी सब में जो अपनी लिमिट है वो ऑलरेडी क्या है सरपास कर दी है राइट right? हम ऑलरेडी ब्रीच कर चुके हैं सिर्फ एक को छोड़ के ऐसा जो है यहाँ पे इसका कहना है अर्थ कमीशन की रिपोर्ट का कहना है एक बार रिपोर्ट का जो है नाम भी देख लेते हैं फिर से थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा सेफ एंड जस्ट अर्थ सिस्टम बाउंड्रीज अर्थ कमीशन की रिपोर्ट है तो जैसे कि मैंने कहा रिपोर्ट तो बहुत सारे आते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है टू रिमेम्बर एवरी रिपोर्ट राइट लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसको ध्यान रखिएगा दिस इज क्लियर नाउ द थर्ड टॉपिक मैंग्रोव कन्जर्वेशन ठीक है तो ये बेसिकली आपका जो कन्जर्वेशन है इस टॉपिक को ना सिर्फ आपके एनवामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी है बल्कि इस तरह के केस स्टडीज़ को आप अपनी मीन आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट पर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन भी देना है तो आप इस तरीके से जो है एग्जाम्पल देते हुए सोल्यूशन दे सकते हो राइट right? तो यहाँ पे देखिए न्यूज में क्या था दरअसल जो गुजरात की कुछ कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं राइट है right? उन्होंने क्या किया है मैंग्रोव बैरियर्स बनाए हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए जो आपका भरूच डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का वहाँ पे एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच जो है अपनाई गई और बेसिकली मैंग्रोव कंजर्वेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक तो जो आपके मैंग्रोव्स हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं दूसरा कल को जब फ्लड वगैरह आएगी राइट है ये मैंग्रोव लोकल पॉपुलेशन का इससे प्रोटेक्शन करेंगे साथ में जो मैंग्रोव के अदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं राइट है मैंग्रोव्स के तो वो भी यहाँ पर मिलेंगे एक एक करके समझते हैं राइट ओके okay. तो यहां पे देखिए क्या बनाया है उन लोगों ने मिलके कोस्टल बायो शील्ड बनाई है ना दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कोस्टल बायो शील्ड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बायो शील्ड मतलब क्या है बायो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और यू कैन से सम ट्री एंड प्लांट्स राइट शील्ड मतलब कुछ प्रोटेक्शन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो यहां पे देखिए ये जो इनिशिएटिव है ये दरअसल क्या था कि हम मैंग्रोव और जो नॉन मैंग्रोव स्पीसीज है उनके कॉम्बिनेशन को ले रहे हैं जो हमारा कोस्टल एरिया है वहां पर उसकी प्लांटेशन कर रहे हैं राइट है? ताकि है तो समुद्र की तरफ होंगे जो है साल्ट, और प्लांट आ, होते हैं राइट है ये सोल्ट टॉलरेंट होते हैं और जो आपका बेसिकली इंटर टाइडल जोन होता है ठीक है वहां पर जनरली ये मिलते हैं और कोस्टल इरोजन को ये काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं काफी डाइवर्सिटी भी इन इनपे मिलती है ठीक है मैंग्रोव्स का एक अपना जो है बड़ा अलग तरीके का रूट सिस्टम भी होता है तो कभी जब हम एनवायरमेंट की सीरीज पूरी डिटेल में करेंगे इसको करेंगे इसको डिस्कस ठीक है आई थिंक इस क्वेश्चन भी से पूछ चुकी है तो यहाँ पे देखिए सी साइड पर हम कुछ मैंग्रोव्स लगा रहे हैं देन आप देखोगे मिडिल में कुछ सॉल्ट रेजिस्टेंट ट्रीज लगा रहे हैं जो नॉन मैंग्रोव स्पीसीज हो सकते हैं एंड देन जो विलेज साइड है वहां पर हम फोडर प्लांट्स लगा रहे हैं ताकि जो विलेजर्स है उनके एनिमल्स को कुछ फोटो वगैरह जो वो भी मिल जाए अब यहाँ पे देखिए जैसे पे बताया गया है इज ये इकोलॉजिकली सस्टेनेबल प्रोटेक्टिव लेयर होता है राइट है और बहुत सारी चीजों से मैंग्रोव वगैरह से और साथ में जो है और चीजों को मिला के ठीक है एम्बेकमेंट टाइप की चीजें यहां पे जो है बनाई जाती है नीड क्या है देखो बे ऑफ बंगाल का अगर हम बेसिकली एग्जाम्पल लें तो साइक्लोन्स बहुत ज्यादा वहां पर जो है आते हैं अभी फिलहाल हम जो है एक साइक्लोन की ऑलरेडी इतना ज्यादा न्यूज में सुन रहे हैं राइट चॉय तो देखिए अगर आप देखोगे दो में बुलबुल आया था 2020 में आया था 2021 में याज आया था दो हज़ार इक्कीस के रूप में गूगल तो जब बेसिकली सुनामी आई थी तो वो रीजन जहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा था वहां पर डिस्ट्रक्शन कम हुआ था एंड वो रीजन जहां पे बेसिकली वेजिटेशन नहीं था वहां पर जो बेसिकली डिस्ट्रक्शन हुआ था वो ज्यादा हुआ था इट इमेजेस ने क्लियर दिखाया है ठीक है तो इस बायोशील्ड के बेनिफिट्स क्या होंगे वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए सबसे पहली बात तो एक तो ये ध्यान रखिएगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने में बेसिकली क्या है आपको हेल्प करेगा इनके कार्बन को स्टोर करने में हेल्प करता है फर्स्ट थिंग दूसरा एक्वाकल्चर वगैरह आपके इम्प्रूवड हो जाएंगे जलीय खेती ठीक है कोस्टल विलेजेस का जो एग्रीकल्चर है वो ठीक हो जाएगा इको जो है री स्टोर यहाँ पे होगा ठीक है फोडर की अवेलेबिलिटी यहाँ पर मिलेगी एंड जो आपके बेसिकली साइक्लोन्स होते हैं या आपका बेसिकली जो कोस्टल इरोजन होता है इस तरह की जो बेसिकली आप कहते

और बेसिकली अब क्या है इनकी जो आप कह सकते हैं पॉपुलेशन है काफ़ी थ्रेटन है रीज़न क्या है रीज़न डिफॉरस्टेशन ठीक है मैंग्रोव्स को हटा के जो है खेती की जा रही है देन पॉल्यूशन है राइट है क्लाइमेट चेंज है अब देखो इनके बेनिफिट्स की बात करते हैं

हैबिटेट जो है मैंग्रोव देते हैं राइट है बहुत ही कमाल की बात यह है कि वाटर की क्लैरिटी के लिए वाटर की प्योरिटी के लिए भी मैग्रोव जाना जाता है ये वाटर को शुद्ध करते हैं ठीक है और साथ में अगर आप देखोगे तो बेसिकली एक एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ग्रीनरी वो अच्छी लगती है और ये ऑलरेडी आपको पता है कि हवा वगैरह को शुद्ध जो है यहाँ पे किया जाता है ठीक है तो हम कह सकते हैं मैंग्रोव एज अ कोस्टल प्रोटेक्टर्स राइट अब इसको भी की की तरफ लिख सकते हो तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो है कोस्टल इरोजन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं स्टोम सोर्जेस को जो है मिनिमाइज करते हैं साइक्लोन के इंपैक्ट को मिनिमाइज करते हैं राइट है इसके अलावा इकोसिस्टम रीजनरेशन में कार्बन के स्टोरेज में एंड साथ में जो आपका मरीन इकोसिस्टम है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने भी में भी मैंग्रोव आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं तो इट्स लाइक कि आप एक अनार और सो बीमार वाला जो कॉन्सेप्ट है ना तो मैंग्रोव्स आर अनार और जो इतने सारे प्रॉब्लम्स है दीज आर द दी बीमार तो ये सॉल्यूशन है ठीक है दैट्स वाई मैंग्रोव को लेकर

हो गए होंगे नहीं हो गए हैं अच्छा <laughs> अब आपको लग रहा है कोई फिश है अगर लेक में मिल गई तो लाइक व्हाट्स अ बिग डील राइट बिग डील ये है पहली बात तो ध्यान रखिएगा ये जो फिश है ये हमारे वाले इकोसिस्टम की नेटिव नहीं है बल्कि नॉर्थ अमेरिका की नेटिव है राइट right? है अब क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में मिली है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो नेटिव फिश है और जो इकोसिस्टम है उस पर इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है

आपको पता है डायनासोर के जमाने से मछलियाँ रह रही हैं मतलब इनको बेस्ट सर्वाइवर कहा जा सकता है ठीक है तो अगर आप देखो तो करीब ये जो बेसिकली आपको मिल जाएंगे करीब 150 मिलियन ईयर्स से और लार्जली अनचेंज्ड अनचेंज रही हैं जब से डायनासोर का टाइम था और इसीलिए इनको अल्टीमेट सर्वाइवर फिश भी कहा जाता है प्लीज़ इसको याद रख लीजिएगा कहानी के जैसे है ना ओके अब देखो पहली बात तो ये क्या है कॉर्नीवॉर्स होती है तो जो लोकल फिश पॉपुलेशन है उसके लिए ये खतरा हो सकती है ठीक है और जब भी कोई आपका लोकल एक इकोसिस्टम एक होता है ना उसकी अपनी प्रॉपर्टीज अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अगर बाहर से कोई इन्वेंसिव स्पेसिक वहाँ पर आ जाए तो उसका जनरली एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है नॉट इन ऑल केसेस बट येस इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस राइट दिस इज क्लियर अच्छा अब यहाँ पे देखिए जो जम्मू कश्मीर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी है दैट इज़ एल उन्होंने दरअसल फिशरीज डिपार्टमेंट को ये कहा है कि लेक के बेसिन में आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए राइट है कि कुछ अदर नॉन नेटिव स्पीसीज तो नहीं आ गई हैं राइट है और ताकि जो है उसके अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे स्टेप्स लिए जा सके ठीक है तो एलिगेटर जो गार हमारी ये फिश थी दो तीन फैक्ट याद कर लीजिएगा डेट विल बी सफिशियंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओके नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और यू कैन से जी एम क्रॉप्स राइट है ये न्यूज में था देखो क्या हुआ था जो बेसिकली आपकी जी ई ए सी है राइट है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आपकी अप्रूवल कमेटी है उनकी तरफ से बेसिकली तीन राज्यों को ये कहा था कि भाई ठीक है एक जो है नई तरह की हम आपको जो है जी एम क्रॉप दे रहे हैं इसका जरा फील्ड ट्रायल कर लेते हैं तीनों ही राज्यों ने मना कर दिया तो चलो उन्होंने क्यों मना किया क्या रीजंस दिए हर राज्य का अलग था मास्टर ने तो रीजन भी नहीं दिया लेकिन बेसिकली क्या है बात नहीं मानी गई तो दैट्स तो अ करंट का न्यूज है ना इससे तो क्या ही क्वेश्चन आएगा बट आपके लिए जीएम क्रॉप्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है तो यहां पे देखिए बताया गया है कि दरअसल जो ट्रांसजेनिक कॉटन के सीड्स से, राइट है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रजल कमेटी मैंने शायद अप्रूवल बोला था अप्रोजल कमेटी, राइट है आ, इनकी तरफ से कहा गया था कि भाई ये जो ट्रांसजेनिक कॉटन बेसिकली सीड्स हैं इनको ट्राई कर लेते हैं उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करेंगे वेल well, जीएम क्रॉप्स तो देखिए नाम से थोड़ा समझिए जी मतलब जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं समथिंग अबाउट द डींस जीन्स राइट है एंड बेसिकली uh, right? क्या है यहाँ पे मॉडिफाइड की बात कर रहे हैं यानी कि कुछ हमने ऑल्टर किया है जो नेचुरली नहीं था ठीक है तो आपके जो जेनेटिक्स होते हैं अगर कुछ भी आर्टिफिशियली चेंज नहीं किया गया है तो नेचुरली होते हैं राइट मैंने जो भी इनहेरिट किया है वो अपने बेसिकली पेरेंट्स से किया है ठीक है अगर मान लीजिए कल को इसमें क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग करके कुछ चेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हो जाएगा सिमिलर मैनर में कोई क्रॉप है वो नेचुरली जिन जीन्स को इनहेरिट नहीं करती है या जिन जेनेटिकली प्रॉपर्टीज को इनहारिट नहीं करती है किसी दूसरे ऑर्गेनिजम सेलेक्टिव से डी लेकर अगर वो उसमें डाल दिया जाए तो उसका जेनेटिक हम क्या कर रहे हैं मॉडिफाई कर रहे हैं दिस इज दी ओनली कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ पे समझिए जैसे ये वाला जो पिक्चर है ये आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में अच्छा इसको जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में बोल भी, है। भी बोल देते हैं ठीक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का भी बेसिकली एक टॉपिक बन जाता है आपका जियम क्रॉप भी बोल देते हैं ठीक है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप्स बट देन उतना डिटेल में हम कभी सिलेबस के साथ पढ़ेंगे फिलहाल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग राइट है क्योंकि ये वर्ड एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं ओके तो मान लिए यू हैव वन ऑफ द लाइक ऑर्गेनिज्म जिसका बेसिकली एक जेनेटिक मटेरियल से आप जो है उसका वो वाला सेल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं uh, जिसके अंदर वो डिजायर टेट्स हैं जो आप चाहते हैं uh, मान लीजिए आपके पास एक ग्रीन कलर का प्लांट है और आप चाहते हो भाई इसमें रेड कलर का शेड भी आ जाए सजावटी पौधा एक बनाना है फॉर एग्जाम्पल राइट तो अब आपने मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म लिया जिसके बेसिकली सेल के अंदर रेड कलर का पिगमेंटेशन से रिलेटेड कोई जो है जीन था परफेक्ट है तो सेल लिया सेल से आपने जो टारगेटेड जीन है उसको आइसोलेट कर लिया है ना डेट विल प्रोवाइड द रेड कलर परफेक्ट है उसके बाद देखिए यहाँ से आपने प्लांट टिश्यू ले लिया है ना प्लांट का टिश्यू ले लिया उस प्लांट के टिश्यू में आपने क्या किया उस जीन को बेसिकली क्या कह सकते हैं अंदर डाल दिया राइट अब आपने इसको क्या है ग्रो किया ना no, इससे जो आपके सीड्स निकल के आए जब आपने बेसिकली उन सीड्स को प्लांट किया तो जो मेच्योर प्लांट आपका बन के आएगा उसमें ना सिर्फ अपने ट्रेड्स होंगे बल्कि यहां से आपने जो डिजायर ट्रेड्स लिए थे वो भी होंगे ठीक है नाउ इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट राइट है दिस इज क्लियर तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं हमें किसी फसल को किसी बेसिकली क्या है पेस्ट से रेजिस्टेंस बनाना है ठीक है आ, हम चाहते हैं कि भाई जो पिंक बॉल वॉम नाम का एक बेसिकली आपका पेस्ट है वो आपकी फसल पे ना आए तो आप चाहोगे कि वो जो पिंक बॉल वॉम है वो जिस चीज से भागता है यदि उस तरह का कोई रसायन उस तरह की कोई स्मेल उस तरह का कोई लिक्विड इस पौधे के पास हो तो फिर वो इसके पास नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके पौधे में डाल देंगे एंड इसकी हेल्प से हम बेसिकली क्या है प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं प्लांट्स को जो है वॉट रेजिस्टेंस बना सकते हैं या फिर जो है उनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट के पेस्ट होते हैं ठीक है उनके लिए हम उनको रेजिस्टेंस बना सकते हैं ठीक है दिस इज़ क्लियर चलिए बैक टू आर डेफ़िनेशन तो क्या बोला हुआ है जीएमओ हमारे बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोई प्लांट हो सकता है कोई एनिमल हो सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है बैक्टीरिया में भी तो आप चेंज कर ही सकते हो राइट जिनके अंदर जेनेटिक मटीरियल जो डी है उसको ऑल्टर किया गया है इन अ वे जो उसमें नेचुरली नहीं था राइट right? जो उसमें नेचुरली नहीं था मीटिंग या फिर नेचुरल रिकॉम्बिनेंट की वजह की, की जो है वजह से राइट right? ओके okay. तो इसको क्या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी बोल देते जीन टेक्नोलॉजी बोलते थे समटाइम्स रिकॉम्बिनेट डी एन ए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोल देते यस yes, ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं मैंने आपको बताया था बट इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जब हम कभी टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे तो वी विल स्टडी राइट ओके अब जीएम क्रॉप्स की इंडिया के अंदर क्या स्थिति है अब देखो थोड़ा सा ये समझो अब किसी चीज को ना आपने क्या क्या जेनेटिकली मॉडिफाई किया है जो नेचर ने नहीं बनाया था वी डोंट नो कि लाइक आने वाले फ्यूचर में उसके क्या इंप्लीकेशनस होंगे आपने कोई ऐसे फसल बो दे है जिसमें आपने कुछ ऑल्टर किया था उस फसल का आगे चल के क्या होगा उसको कंज्यूम करने वाले एनिमल्स के हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा ह्यूमन्स की हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा तो इन चीज़ों को ना बड़ा कंट्रोल्ड बड़ा रेगुलेटेड वे में देखा जाता है राइट है और प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है जो इन चीज़ों को रेगुलेट करता है एंड अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारे एक्चुअली खाने वाली कोई भी फसल को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है ठीक है तो अगर आप देखोगे अगर पूरे बेसिकली वर्ल्ड की बात की जाए तो जीएम क्रॉप्स के कल्टीवेशन में इंडिया की फिफ्थ रैंक आती है जो बेसिकली ट्रांसजेनिक कॉटन है जो कपास है उसको हमारे यहाँ पे बेसिकली अप्रूवल मिल चुकी है कि आप जो है किसान जो है अपनी फील्ड में इसको कल्टिवेट कर सकते हैं ट्रांसजेनिक जो मस्टर्ड है इसको बेसिकली आपकी जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग कमेटी है उसकी अप्रूवल तो मिल चुकी है लेकिन वाइड स्प्रेड कल्टिवेशन के लिए अभी फर्दर स्टडी करना जरूरी है कुछ फील्ड ट्रायल्स वगैरह करने और रहते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप इंडिया में अभी तक अलाउ नहीं की गई है ठीक है ओके दिस इज क्लियर अब इस इस कमेटी के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले बात तो ध्यान लगेगा इट्स स्टार्ट शेरी कमेटी राइट सांवैधिक एक आपकी क्या है समिति है जो आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 इसके तहत गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए थे राइट है रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स रूल्स इन 1989 इन रूल्स के अंडर जो कि इस एक्ट के अंदर थे ये कमेटी जो है बनाई गई थी ठीक है एक्ट के द्वारा बनाई गई दैट्स वाई साटेजरी कमेटी और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका इन्वायमेंट है उसके अंदर जो है काम करती है इसके फंक्शंस क्या हैं अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आप कुछ भी ऐसी क्रॉप्स को लेकर कर रहे हो राइट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो ये जो बेसिकली आपकी कमेटी है इसका रेगुलेशन रहेगा तो यहाँ पे देखिए अगर आपका जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई प्रोडक्ट है या कोई ऑर्गेनिज्म है ठीक है उसका एन्वायमेंट में रिलीज़ करना है उसका फील्ड ट्रायल करना है या नहीं करना है इस कमिटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है इसके अलावा अगर आप बेसिकली कर रहे हो कंजप्शन अगर आप कर रहे हो किसी भी प्लांट का या फिर किसी एनिमल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यूज कुछ भी हो वो सब जो है इस कमिटी के द्वारा देखा जाता है फाइनल अप्रूवल बाद में जो है आपको इन्वायमेंट मिनिस्ट्री की रहती है क्योंकि ये उसके अंडर काम करती है ठीक है दिस इज क्लियर ओके चलिए अब देखो इनके ना एनवाक्ट की बात कर लेते हैं है ना ये इंपॉर्टेंट है तो डेवलपमेंट ऑफ सुपर वीड्स याद है आपको याद है हमने जो है बेसिकली सुपो बर्क के बारे में पढ़ा था या फिर आप कहेंगे हमने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था जहाँ पे बेसिकली क्या होता था जो एंटी बैक्टीरियल दवाइयां होती थी उनकी वजह से कुछ ऐसे बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर बन जाते थे जो बेसिकली उन दवाइयों को लेकर रेजिस्टेंस हो चुके हैं और जब एक समय पर कुछ ऐसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे जिनको ट्रीट करने के लिए आपके पास कोई भी दवाई नहीं होगी राइट है और जो इन्फेक्शन का रीजन बनेंगे तो वो क्या है सुपर बग बन जाएगा ठीक है और ये एक हेल्थ वाला इश्यू था इसी तरीके से ऑन अ सिमिलर मैनर सुपर वीड बन सकते हैं देखो आपका कोई भी पौधा है राइट है ये आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड है इसके अंदर आपने कुछ ऐसी चीज यूज की हुई है जो मान लीजिए आपका कोई भी वॉर्म है उसको ये भगाती है राइट बट मान लीजिए कुछ टाइम के बाद ये जो वॉर्म है ये क्या हो जाता है रेजिस्टेंस हो जाता है ठीक है तो अब देखिए आप ये देखिएगा कि बेसिकली बाद में जब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा तो कल को कुछ ऐसे पेस्ट आपके जो है अटैक करेंगे आपकी फसलों पर जिनका इलाज आपके पास नहीं है राइट क्योंकि अब उन्होंने क्या किया अपने अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है म्यूटेशन की जो है मदद से कि अब उन पे इनका असर नहीं होता ठीक है तो इमर्जेंस ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस होगा इसके अलावा सुपर व्हीट अब देखो यही पौधा है जेनेटिकली मॉडिफाइड इसके आसपास बहुत सारी वीड है राइट है वीड है अब इस पौधे के कांटेक्ट में आने की वजह से हो सकता है इस वीड के अंदर भी ये वाली जो है प्रॉपर्टीज चली जाए तो कल कोई ऐसी सुपर वीट हो सकती है जो फिर जाएगी नहीं राइट है यान आपको पता है वीड खेतों से निकालना ज़रूरी होता है ठीक है देन ह्यूमन हेल्थ कंसर्न कल को अगर इस तरह का फूड आप कंज्यूम करोगे तो हमें नहीं पता इसके क्या एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ वाले ह्यूमन स्पेस के क्या अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड देन सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स देखो ये जो आपके सीड्स होंगे ये सस्ते तो होंगे नहीं राइट है और ये हर बार नए खरीदने पड़ते हैं, ठीक है तो अब जो वेल डूइंग फार्मर्स हैं वो कर लेंगे बाकी रह जाएंगे तो ये वैसे ही होगा जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे हुआ था हरित क्रांति के टाइम पे, जो बेसिकली किसान बड़े बड़े थे उनको तो बड़ा फायदा हो गया था छोटे किसान भी रह गए थे तो इसका एक सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा ठीक है दिस इज क्लियर चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू टॉपिक राइट है next, the, uh, topic, right? तो ड्रिप इरीगेशन नेक्स्ट राइट है तो ड्रिप इरीगेशन लेट्स इमेजिन ड्रिप यानी कि आप क्या है बहुत ही स्मॉल uh, लेवल पे बात कर रहे हो राइट है समथिंग लाइक कि जो आपने ड्रिप तो देखा ही होगा राइट है इरीगेशन सिंचाई की बात कर रहे हो तो ये न्यूज में क्यों था पहले ये जानते हैं तो देखिए रिपोर्ट्स आए थे कि जो सेंटर की ड्रिप इरीगेशन स्कीम है झारखंड के अंदर उसमें इरेगुलरिटीज देखी गई हैं ठीक है चेके? कुछ करप्शन वगैरह के इशूज़ देखे गए ओके दिस इज तो वन ऑफ द इशू ठीक है okay? issue, अब हम इसको एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू

एग्जैक्टली exactly वही आपके जो है प्लांट पे पहुंच रही है इस तरह से पाइप्स का एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना हुआ है इन पाइप्स में इस तरह के एक सिस्टम है एंड देन ये जो है आपके जो प्लांट का डिज़ायर बेसिकली रूट है उसी पर पानी डालता है तो एक जो तरीका होता था हम पूरे खेत में पानी भर देते थे देन एवेपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता था पानी का राइट है लीचिंग होती थी तो मतलब पानी का विस्तृत ज़्यादा था एंड हमारी कंट्री में ऑलरेडी पानी की किल्लत होनी स्टार्ट हो चुकी है तो क्यों ना पानी को इस तरीके से दिया जाए कि जो एकदम डिज़ायरेबल रिजल्ट थे एवेपरेशन और लीचिंग वाली प्रॉब्लम भी यहाँ से हट जाए ठीक है तो बेसिकली क्या है एक वाटर सेविंग इरिगेशन प्रैक्टिस है भाई जल बचता है इससे है ना और इसमें क्या होता है पूरा आप देखोगे एक पाइप्स वगैरह का नेटवर्क पूरा खड़ा किया जाता है और इस तरह के आउटलेट बनाए जाते हैं कि रूट के एकदम नज़दीक जो है पानी मिले इससे प्लांट की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी भी जो है इम्प्रूव होती है ठीक है अब इस स्कीम के बारे में जानते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन स्कीम ठीक है ये दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही एक कंपोनेंट है ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी इसको लाया गया था कि एग्रीकल्चर के अंदर हमें जो वाटर है ठीक है उसका बेसिकली क्या करना है एक तरीके से कंजर्वेशन करना है किस तरीके से ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से स्प्रिंकल इरिगेशन के माध्यम से राइट है और यहाँ पे दरअसल क्या है इस स्कीम के तहत जो किसान थे उनको जो बेनिफिट दिया जा रहा था वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मदद से दिया जा रहा था ठीक है स्मॉल को 55 कोस्ट जो है गवर्नमेंट से मिलेगी है ना बाकी का जो है वो खुद से लगाएगा इस तरह का जो सिस्टम अपने हाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता है अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की बात की जाए फाइनेंस को लेकर तो बेसिकली रेशियो था नॉर्मल स्टेट और केंद्र सरकार का साठ जो है केंद्र सरकार देगी चालीस जो है बेसिकली राज्य सरकार देंगे उसी को जो आपके राज्य है या जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये कर दिया गया ठीक है तो, तो अब देखो बेनिफिट्स तो एक तो समझ में आया कि भाई हाई एफिशिएंसी है आप लेस रिसोर्स वाटर का यूज करके मोर प्रोडक्टिविटी ला सकते हो देन रिड्यूस वीड ग्रोथ देखो जब रूट में ही बस पानी मिल रहा है ना दैट वाटर विल बी यूज बाय द प्लांट ओनली राइट आसपास के जो वीड्स है उनको वाटर का तो सप्लाई नहीं रहेगा तो वीड की ग्रोथ ही पे कम होती है देन डिक्रीज लीचिंग देखो जब पानी है ज़्यादा है ठीक है तो लीच भी तो होता है और मान लीजिए आपने खेतों में बहुत सारे पेस्टिसाइड बहुत सारे जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह दिए थे वाटर के साथ घुल के वो भी लीच होते हैं तो आपका क्या होता है आपका जो है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है राइट है देन सेव लेबर कॉस्ट अब भाई इतना ज्यादा पानी भरना है या फिर मतलब जो आपके ट्रेडिशनल जो है सिंचाई के मेथड्स से उसमें लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आता था तो लाइक फार्मर के लिए अच्छा नहीं रहता था ठीक है तो बेनिफिट्स चलो ये तो आप भी थोड़ा समझ गए होंगे ड्रॉबैक्स की बात करते हैं कि इतनी अच्छी स्कीम का कुछ नुकसान भी हो सकता है ओके हाई इनिशियल कॉस्ट स्टार्टिंग में जब एक किसान पूरा का पूरा अपना जो है सिंचाई का ये नेटवर्क सेटअप करता है तो इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई आती है तो स्मॉल फार्मर्स के लिए इट्स तो नॉट फिजिबल राइट क्योंकि इनपुट कॉस्ट इतनी ज़्यादा लगा देना एक स्मॉल फार्मर के लिए मतलब उतना नहीं होता है राइट है दैन देखिए मेंटेनेंस कोस्ट आती है अब जब आपने ये पाइप्स वगैरह का पूरा सिस्टम लगाया इसको टाइम टू टाइम आपने मेनटेन करना पड़ेगा रिपेयर वगैरह होगा राइट है आ, हो सकता है कि फार्मर को अलग से किसी को बुलाना पड़े चीज़ों को ठीक कराने के लिए कुछ पार्ट्स ख़राब होंगे देन वो रिप्लेस करने पड़ेंगे ठीक है तो एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा देन प्लास्टिक लीचें अब देखो जो पाइप्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हो उसमें प्लास्टिक है तो माइक्रो प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ तो धीरे धीरे वो प्लास्टिक जब बेसिकली सन है राइट है और उसके अलावा आपका वाटर है तो टूट फूट होगी ठीक है देन वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होगा देन वो आपके वाटर के साथ जब मिल जाएगा तो आपकी फूड चेन के अंदर जो है प्लास्टिक की प्रॉब्लम आ जाएगी तो प्लास्टिक लीचिंग इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द ड्रिप इरीगेशन है ना एंड यू शुड रिमेंबर इट क्योंकि यूपीएससी इस तरह की चीज़ों पर फोकस करता है राइट right? है तो देखो जब भी आपने आंसर लिखना हो तो आपका बस बेनिफिट्स पे फोकस नहीं होना चाहिए आपका ड्रॉबैक्स पे भी फोकस होना चाहिए क्योंकि ना सिर्फ मीन्स में थ्री सिक्सटी डिग्री आप आंसर लिख पाओगे बल्कि प्रीलिम्स में इस तरह के स्टेटमेंट पे जो है यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है ठीक है तो ओके यहाँ पे हमारे आज के सारे टॉपिक्स कवर हो गए आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा चीज़ें समझ please, please में आई होंगी प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा आप जानते नहीं है कि हमें कितनी खुशी होती है आपके देख के एंड वीडियो लाइक करना तो मत ही भूल जाए कीजिए एंड चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नाउ अब हम टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते तो एक्चुअली यू पी एस से विध प्राची ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो दिस इज़ द क्यू आर कोड ऑल्सो एंड एक्चुअली यहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है तो आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप बेसिकली पूछ सकते हैं एंड याद रखेगा हमारा पी टू आई बैच इसको नहीं भूलना है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि ये एक आपको ना वंस इन अ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है तीनों लैंग्वेजेस में कोर्स मिलना दैट टू इन अफोर्डेबल फी that टू लाइव क्लासेस मिल रही हैं एंड साथ में मीन्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी मिल रहा है अपने आप में इज़ वन ऑफ द डील राइट तो देखो यू के लिए प्लीज़ जुड़ जाओ ज्वाइन कर लो ठीक है एंड कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम लोग हैं यहाँ पे, राइट हम लोग हैं आपके लिए और इतनी फीस नहीं है और अगर आप कोड यूज़ करेंगे प्राचीन लाइव राइट है तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा दैट आई कैन आई कैन एंड इसके बाद फैकल्टीज को पता होता है तो वो आपको मोर हेल्प कर पाते हैं राइट right? है तो यस पीट बैच उन्नीस जून शाम के 6 बजे का बैच है वर्किंग uh, प्रोफेशनल्स ठीक है जो आप हमारी होम मैनेजर्स होती है एंड अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं कोई भी ज्वाइन कर सकता है ठीक है क्योंकि टाइमिंग हमने इस तरह के यहाँ पे सेट किए हुए हैं ओके okay, तो मैं यहां पे लेती हूँ आपसे विदा एंड जो है टेलीग्राम चैनल पे प्लीज मुझे जो है ज्वाइन जो कर लीजिएगा यूपीएस से विद प्राची एंड थैंक यू सो मच एवरी वन जल्द मिलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीकली करंट अफेयर में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा अपनों का ध्यान रखिएगा जय हिंद स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल